हेलो गाइस, आई एम शहजाद अहमद फ्रॉम शेक्सी डॉट कॉम एंड वेलकम इलेक्शन नंबर फर्स्ट। आज हम जो है एक्सटेंशन के बारे में देखते हैं कि क्रोम एज अ वेब डेवलपर आप कोई भी ब्राउजर यूज़ करते हैं, चाहे वो फायरफॉक्स हो, चाहे वो जो भी ब्राउजर हो, तो मोस्टली जो है जो भी प्रोग्रामर हैं, जो वेब डिवेलपर हैं, वो हमेशा जो है वो क्रोम यूज़ करते हैं। मेरे पास जो है वो ब्राउज़र है क्रोम के नाम से, क्रोमियम के नाम से। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखें, मेरे पास जो है वो क्रोमियम के नाम से जो क्रोम का प्रोडक्ट है, और चाहे तो वो क्रोमियम हो जो है, चाहे वो आपका नॉर्मली ब्राउज़र हो जो क्रोम का ब्राउज़र होता है, सॉरी गूगल का ब्राउज़र होता है क्रोम, तो जो भी आप यूज़ करें वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंशन होती क्या है। एक्सटेंशन जो फर्दर कुछ इम्प्रूवमेंट देती हैं या आपको कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती हैं आपके ब्राउज़र को, या इन सिंपल वर्ड्स कह लें कि सपोर्ट करती हैं आपके ब्राउज़र को कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी दे के। फॉर सपोज, जैसे मेरे पास एक एक्सटेंशन है जिसे विंडो रिसाइजर कहते हैं, और ठीक है, जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जो है वो रिसाइज हो रहा है, कोई भी जो है साइज को चूज करने से ब्राउजर रेस्पॉन्स कर रहा है जैसे ही मैं वो एक्सटेंशन को यूज कर रहा होता हूं। बाय द वे, किसी भी एक्सटेंशन का कोई भी जो है यूजर इंटरफेस नहीं होता। एक्सटेंशन जब भी आप इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पे शो हो रही होती है, राइट साइड, टॉप राइट साइड पे हो रही होती है शो। एंड सेकेंड थिंग जो है, जब एक्सटेंशन की बात आती है तो ये एक्सटेंशन बनती कैसे हैं? ये सिंपल जो है HTML जो है CSS और JavaScript jQuery वगैरह पे बनती हैं, या इन सिंपल वर्ड्स JavaScript प्लस HTML प्लस जो है आपकी CSS से रिलेटेड, या से रिलेटेड कह लें, या आप कह लें कि जो है वो तीनों को कंबाइन करके जो है एक्सटेंशन बनाई जाती है। तो एक्सटेंशन बिल्कुल हम देखेंगे कि और जो है वेब डिवेलपमेंट के लिए कौन कौन सी एक्सटेंशन जो है बहुत ज़रूरी हैं, और बहुत ज़रूरी से मुराद ये है कि वो आपको सपोर्ट करती हैं। ज़रूरी तो नहीं है आप चाहे यूज़ करें आप चाहे ना यूज़ करें, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये है कि वो आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती हैं एक्स्ट्रा। फॉर सपोज़ अगर आपके पास विंडोज़ रिसाइजर की फंक्शनैलिटी ना हो तो आप ब्राउज़र को कुछ इस तरीके से जो है रिसाइज करेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि जो है वो स्क्रीन की रेजोल्यूशन जो है वो कितनी है आपकी। ठीक है, तो आप अथेंटिक काम नहीं कर सकते, तो आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस होनी चाहिए, या अगर आप कहेंगे कि इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद भी यहाँ पे ये डिवाइस का ऑप्शन होता है, तो बिल्कुल होता है, लेकिन ये है कि बार बार आपको जो है वो इंस्पेक्ट एलिमेंट करना पड़ेगा, एंड देन जो है तो इसी वजह से जो है आप एक्सटेंशन को जो है वो प्रिफर करते हैं। और जाहिर सी बात है एक्सटेंशन कोई भी जो है आप यूज़ करेंगे, एंड देन हम देखेंगे कि फर्दर जो है वो कौन कौन सी एक्सटेंशंस हैं जो क्रोम जो है सपोर्ट करता है। एंड जाहिर सी बात है जब एक्सटेंशन बनाई जाती हैं तो वो क्रोम के लिए तो ठीक है, मैं जो है वो क्रोम ब्राउज़र को ही लेके चलूँगा, और ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ क्रोम के अंदर अवेलेबल हों, वो सेम एक्सटेंशन जो है आपको जो है वो फायरफॉक्स में भी अवेलेबल हो सकती हैं। लेकिन मोस्टली जो है जो डेवलपर्स होते हैं, या जो है कम्युनिटी होती है डेवलपर्स की, तो वो मोस्टली जो है क्रोम यूज़ करते हैं, बिकॉज वेब डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा जो है वो हम डिफाइन तो नहीं कर सकते क्रोम को, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा जो है हमारा ब्राउज़र है वेब डेवलपमेंट के लिए। सो आज के लिए इतना ही, आई होप हमारी सीरीज़ को इंजॉय कर रहे हैं। अगर वाकई आप हमारी सीरीज़ को इंजॉय कर रहे हैं, थम्स अप, सब्सक्राइब करवाएं हमारे ऑफिशियल चैनल पर, हमें ज्वाइन करें सोशल नेटवर्क्स पर, हमारे वीडियोस को, हमारे कोर्सेज को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।